बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों ये है मुरंगा, जिसको उर्दू में सुहांजना या पंजाबी में भी सुहांजना कहते हैं। आजकल इसकी बहुत डिमांड है, ये हर मर्ज़ के लिए मुस्तमल है। ये है सुहांजना। इसके पत्ते जो हैं ये सरस की तरह होते हैं, और इसको जो पत्ते इसकी डाली बनती है वो भी बिल्कुल सरस की तरह बनते हैं। इसका पौधा भी सरस की तरह बहुत बड़ा पौधा बन जाता है, और बहुत बड़ा पौधा बन जाता है, ये बड़े बड़े दरख्त बन जाते हैं। इसके पत्ते जो हैं ये मुस्तमल हैं। इसके पत्तों को तोड़ करके इसका सुकूब बना करके इस्तेमाल किया जाता है। ये है जिसको मुरंगा कहते हैं, मुरंगा भी कहते हैं, सुहांजना भी कहते हैं। इसकी जड़ जो है वो आजकल अवेलेबल है मार्केट के अंदर। उसको काट करके, उसको सुखा करके उसको भी इस्तेमाल किया जाता है, अचार भी डाला जाता है। ये बॉडी की हर मर्ज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कैल्शियम फलाद और सभी जो मकदार है वो बहुत ज़्यादा मकदार में होती है। दूध से ज़्यादा इसमें विटामिन पाए जाते हैं। इसको आजकल इस्तेमाल किया जाता है, कई तरीक़ों से इसको इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग इसको अकेला ही इस्तेमाल करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन इसके साथ कई अद्वियात का इस्तेमाल करके इसके साथ इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत कसीरुल फ़ायदा जो है ना दरख्त है। अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी नेमत है जो इसको हमें दिया है।